ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दर्शकों, आपका हमारे न्यूज़ चैनल जनप्रभात में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य बलराम कृष्ण शास्त्री आपको बताऊंगा कि इस साल धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त कब है, साथ ही धनतेरस की क्या विशेषता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का बड़ा खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस दिन धन के देवता कुबेर की पूजा भी की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। धनतेरस पूजा को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल धनतेरस का त्योहार दीपावली से पहले आता है। इस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी की पूजा होती है। इस साल धनतेरस का त्योहार 23 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी के सिक्के, आभूषण और बर्तनों की खरीदारी करते हैं। इस दिन सोने चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदना काफी शुभ होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर आदि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त, पूजा का समय और सोना चांदी खरीदने का समय और मुहूर्त क्या है। धनतेरस शुभ मुहूर्त धन त्रयोदशी या धनतेरस के दौरान लक्ष्मी पूजा को प्रदोष काल के दौरान किया जाना चाहिए, जो कि सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है। धनतेरस मुहूर्त शाम 5:44 से 6:05 तक रहेगा। यह अवधि मात्र 21 मिनट की है और प्रदोष काल का समय 5:44 से 8:16 तक का है। धनतेरस के दिन सोने चांदी की चीजों को सर्वार्थ सिद्धि योग में खरीदना काफी शुभ अच्छा माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग को काफी शुभ और अच्छा माना जाता है और इसमें सभी सिद्धियों का वास होता है। इस साल सर्वार्थ सिद्धि योग 23 अक्टूबर को सुबह 6:31 से शुरू होगा और दोपहर 2:34 पर समाप्त होगा। आपको बता दें कि इस मुहूर्त में राहु काल का कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि राहु काल का असर केवल यात्रा पर पड़ता है। धनतेरस पर इस तरह करें पूजा। सबसे पहले मंदिर में चौकी को स्थापित करें और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन्वंतरी भगवान आदि की फोटो या मूर्ति को स्थापित करें। अगर आपके पास फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप 3 सुपारी भी रख सकते हैं। इसके साथ ही पूजा करें, हल्दी की गांठ, चावल, पुष्प, माला, धूप, दीप, नैवेद्य लेकर के बैठें। इसके साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और दीपक जला लें। इसके बाद आपने जो कुछ भी सामान खरीदा है उस पर मूली बांध लें, फिर शुद्धिकरण के लिए थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लें। बैठने के बाद 3 बार आचमन करें, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। 3 बार आचमन करने से यह जल आपकी आत्मशुद्धि करेगा। अब सबसे पहले माता पृथ्वी, भगवान गणेश, माता गौरी और कलश और भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करें। इसके बाद आपने जो भी सामान लिया उसमें अक्षत छिड़कें। इसके बाद सभी पूजा सामग्री से भगवान की पूजा करें। पूजन के बाद आपने सामान और बर्तनों पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। फिर 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः, ओम धन्वंतरे नमः आदि मंत्रों का जप करें। इस तरह पूजा करने से आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और भगवान आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगे। दर्शकों, देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।